रूस से हथियारों की खरीद में लगातार कटौती होती जा रही है। फ्रांस यूएस को ज्यादा ऑर्डर हैं ये कहा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने अपनी रणनीति को क्यों बदल लिया। दरअसल दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, तमाम छोटे छोटे गुट बन गए हैं। ऐसे में अपने हितों की रक्षा के लिए जहां से जो बन पड़े वो करना चाहिए। भारत इसी फंडे पर चल रहा है। 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच हथियारों का आयात 4.7% बढ़ा, ये कहना है सिप्री रिपोर्ट का। जी हाँ, हालांकि इस दौरान भारत ने यूसी हथियारों पर निर्भरता घटाई है। 2009 से 13 के बीच भारत के हथियार आयात में रूस की भागीदारी 76% थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की हालिया रिपोर्ट ये बताती है कि भारत के आर्म्स इंपोर्ट में रूस का हिस्सा घटकर 36% पर आ गया है। 60 के दशक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के आधे से भी कम हथियार आयात रूस से हुए। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव से निपटने के लिए अब भारत पश्चिमी देशों का रुख कर रहा है। फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों से हथियारों का आयात बढ़ रहा है। साथ ही साथ भारत ने घरेलू मोर्चे पर भी हथियारों के उत्पादन को बढ़ा दिया है। भारत का ये कदम रणनीतिक है। चीन और पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ अपने अपने हथियार जुटाने में लगे हुए हैं ताकि आगे उन्हें कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है। उसे सबसे ज्यादा हथियार कौन सप्लाई करता है, क्या ये आप जानते हैं? दरअसल चीन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है। चीन पाकिस्तान का दोस्ताना भारत को अब टेंशन दे सकता है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी भारत अपने हथियार आयात को डाइवर्सिफाई कर रहा है। दरअसल भारत ने रक्षा हथियारों की खरीद से जुड़ी रणनीति बदली है। जो नए ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो अधिकतर पश्चिमी सप्लायर्स को मिल रहे हैं। रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करते हुए भारत अपनी आर्म्स सप्लाई चेन को डाइवर्स बनाना चाहता है। मतलब इसका ये होता है कि हथियारों के आयात में किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, अलग अलग देशों से अब हथियार मंगाए जाएंगे। भारत की बदली हुई रणनीति के पीछे क्षेत्रीय पहलू भी है। चीन के साथ करीब 4 साल से पूर्वी लद्दाख में तनातनी, पाकिस्तान के साथ अलग तनाव, हथियारों के आयात के मामले में पाकिस्तान नंबर 5 पर है। हाल ही के दिनों में हथियार के आयात में 43% का इजाफा किया गया, लेकिन अब हथियारों के कारोबार में बदलाव आ रहा है। यूक्रेन युद्ध का असर दिख रहा है। हथियार जुटा रहे यूरोपीय देश अब, जिसकी वजह से भारत अब अपने हथियारों को खरीदने की रणनीति लगातार बदल रहा है। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।